एंटीबॉडी डिटरमिनेंट्स। तो इसमें आज बात करते हैं एंटीबॉडी डिटरमिनेंट्स की। तो तीन तरह के डिटरमिनेंट्स होते हैं जो हमारे एंटीबॉडी के होते हैं। एक होता है हमारा क्या होता है आइसोटाइप, दूसरा होता है एलोटाइप और तीसरा होता है हमारा इडियोटाइप। इडियट टाइप भी कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि एक जैसा वर्ड है। तो तीनों को जल्दी से समझते हैं फास्ट वे में। तो पहला होता है हमारा आइसोटाइप। तो आइसोटाइप का कहे तो जैसे कि मान लीजिए आपके हमारे क्या दो एंटीबॉडी है, ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है ना, कुछ इस प्रकार होता है हमारा क्या होता है एंटीबॉडी। एक दो बना देते हम, एक ये रहा और एक ये रहा मान लीजिए, और इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, डार्क करते हैं, इसे नॉर्मल रखते हैं। तो जिसे डार्क करा है हम उसे कहते हैं हम IgG, और जो ये लाइट वाला इसे हम कहेंगे IgA मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या फर्क क्या है, थोड़ा इसे यहाँ तक कर देते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टेंट रीजन को शो कर रहे हैं। तो आइसोटाइप में क्या होता है कि ना इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टेंट रीजन है ना, जो हमारी हैवी चेन का कॉन्स्टेंट रीजन है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो इसमें देखे तो इसमें डार्क था, इसमें अलग था, लेकिन इसमें क्या था, लाइट है। कॉन्स्टेंट रीजन जो हमारी हैवी चेन का होता है वो लाइट था। तो ये फ़र्क होता है इनमें, दोनों में फ़र्क हो गया ना, तो इसको हम कहेंगे आइसोटाइप। तो ये हो गया पहला डिटरमिनेंट, ठीक है। अब बात करें हमारे दूसरे एलोटाइप की। एक और चीज़ बताना भूल गया, जो आइसोटाइप होता है ना, आइसोटाइप की वजह से ही ना जब हम कोई फॉरेन, जैसे कोई हम फॉरेन का एंटीबॉडी डालते हैं, फॉरेन बॉडी का एंटीबॉडी किसी दूसरे ह्यूमन के बॉडी में डालेंगे ना एंटीबॉडी, तो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर वो उसके बदले में एंटी वो जो जो जिसको हम भेज रहे थे ना हमारी एंटीबॉडी, फॉरेन एंटीबॉडी, तो वो जिसके भेज रहे ना वो एंटीबॉडी बनाएगा और क्या करेगा, उसे डिस्ट्रॉय करने की वो करेगा, कोशिश करेगा। उसके हिसाब से तो वो एंटीजन ही हो गया ना, फॉरेन एंटीजन। तो वो डिटरमाइन इस हिसाब से होता है। दूसरा देखते हैं एलोटाइप। तो एलोटाइप में क्या होता है, एलोटाइप यही समझ लेते हैं। इस बार क्या है, ये इसे हमने डार्क मान लिया, तो ये मतलब सिमिलर हो गया एक दूसरे के। लेकिन एलोटाइप में क्या होगा, एलोटाइप में होगा कि जैसे हमारे एलील्स प्रेजेंट होते हैं ना इनमें, ये होता क्या है, ये एक तरह का पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस होता है, तो इसमें एलील्स प्रेजेंट होगी। तो जो ये तो सिमिलर है पूरा, ठीक है, हमारा कॉन्स्टेंट रीजन हैवी चेन का, ये तो सिमिलर है, तो आइसोटाइप तो नहीं होगा इसमें, कुछ आइसोटाइप का कोई डिटरमिनेंट नहीं होगा। लेकिन जो जीन्स है ना, यहाँ के अलील्स है, सॉरी अलील्स है ना, ये डिफरेंट है इससे, अलील की फॉर्मेशन डिफरेंट है इससे, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एलोटाइप, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम एलोटाइप बोलेंगे, नॉर्मल एलोटाइप। अब दूसरा जाने तो हमारा इडियोटाइप। तो इडियोटाइप में क्या होगा, इडियोटाइप होगा कि ये डिटरमाइन होगा हमारे एंटीजन डिटरमिनेंट से। तो जब आप देखते हैं कि जब एंटीबॉडी जब एंटीजन बाइंड होता है, मान लीजिए एंटीजन है हमारा बाइंड हो गया, ठीक है, तो जिस हिसाब से एंटीजन है ना उस हिसाब से, इसे ऐसे मान लीजिए इस एंटीजन को, इसे ऐसे मान लीजिए, और ये ऐसे है, ये नॉर्मल है इस वाले का। तो इसमें क्या है, इसमें एंटीजन डिफरेंट है, इसका एंटीजन डिफरेंट है और इसका एंटीजन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को रिजेक्ट करेगा, मतलब ये वाला एंटीजन ये नहीं लेगा और ये वाला एंटीजन ये नहीं लेगा, तो एक डिफरेंस आ जाएगा, तो उसी को हम कहते हैं इडियोटाइप।